ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा जाकिर हुसैन संध्य कॉलेज में पढ़ाता हूँ। आज हम प्रश्न पत्र स्त्री लेखन के अंतर्गत कठगुलाब में चित्रित पुरुष पात्र पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप कठगुलाब उपन्यास के सभी पुरुष पात्रों की मानसिकता से परिचित हो पाएंगे, पात्र परिकल्पना के पीछे छिपी उपन्यासकार की दृष्टि से परिचित हो सकेंगे, कठगुलाब उपन्यास के प्रवाह में पुरुष पात्रों के महत्व को समझ सकेंगे। कठगुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है। मृदुला गर्ग ने गद्य की सभी विधाओं पर लेखनी चलाई है। कथ्य और शिल्प में उन्होंने अनूठे प्रयोग किए हैं। मृदुला गर्ग ने अपने अंतर की पीड़ा को पाठक के सामने रखकर उसके निजत्व को कृति में रखा है। उनके उपन्यास पूर्व पश्चिम या किसी वाद की छाया से पूर्णतया मुक्त हैं। वे किसी अन्य प्रभाव से नहीं बल्कि उसके आंतरिक मंथन और बेचैनी से उपजे हैं। कठगुलाब चार स्त्री पात्रों व एक पुरुष पात्र के कथावाचन से बना अपनी तरह का विशिष्ट उपन्यास है। अलग अलग नारी चरित्रों को उनकी स्वयं की मनोभूमि पर पुरुष के वर्चस्व वाली व्यवस्था में लगातार संघर्ष करते हुए और अपनी अस्मिता को तलाशते हुए इस उपन्यास में दिखलाया गया है। स्त्री प्रधान इस उपन्यास में मात्र एक पुरुष मुख्य पुरुष पात्र है, वह मुख्य पात्र विपिन है। कठगुलाब उपन्यास में स्त्री पात्रों की भरमार है। उनकी तुलना में प्रमुख पात्र के रूप में केवल विपिन का कथावाचन है। शेष जितने भी पुरुष इस उपन्यास में आए हैं उनका इस्तेमाल स्त्री पात्रों के चरित्र को उभारने में ही किया गया है। उपन्यास में विभिन्न स्त्रियों को अलग अलग परिवेश और माहौल में पुरुष सत्तात्मक समाज में संघर्ष करते हुए दिखलाया गया है। विपिन और एक अन्य गौण पात्र जॉर्ज रिचर्डसन को छोड़कर बाकी सभी पुरुष पात्र खल पात्रों की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में स्त्रियों के दैहिक और मानसिक शोषण में संलिप्त रहे हैं। कठगुलाब उपन्यास में पुरुष पात्रों की दो श्रेणियां हैं, भारतीय और विदेशी। विपिन मजुमदार, स्मिता और नर्मदा के जीजा, असीमा के भाई असीम का चरित्र भारतीय परिस्थितियों में दिखलाया गया है, जबकि जिम जार्विस, इरविंग विटमैन, कूपर व जॉर्ज रिचर्डसन पाश्चात्य परिवेश में चित्रित हुए हैं। कठगुलाब उपन्यास पढ़ने के बाद एक बात प्रखरता से उभर कर आती है कि परिवेश और परिस्थितियाँ चाहे भारतीय हों या विदेशी, स्त्रियों के प्रति पुरुषों की मानसिकता व उनका दृष्टिकोण कमोवेश एक जैसा ही है। कठगुलाब उपन्यास में कई पुरुष पात्र हैं जिनमें विपिन मजुमदार मुख्य पात्र है। वैसे तो एकमात्र पुरुष पात्र विपिन मजुमदार है जो सीधे सीधे हमें कठगुलाब में दिखाई देते हैं। 40 वर्षीय प्रौढ़ विपिन मजुमदार के व्यक्तित्व पर उसकी दिवंगत माँ का गहरा प्रभाव है। वह सर्वप्रथम असीमा के संपर्क में आता है। हिंदी के समूचे उपन्यास साहित्य में विपिन संभवतः अकेला ऐसा पुरुष चरित्र है जिसमें नारीत्व के दर्शन होते हैं। असीमा का भी कहना है कि विपिन के अर्ध नारीश्वर में नारी पक्ष अधिक प्रधान है। असीमा कहती हैं, विपिन मजुमदार जैसे परिपक्व पुरुष व्यक्तित्व का निर्माण करके लेखिका ने न केवल नारी विमर्श की अतिरेकी परिकल्पनाओं को संतुलित किया है, बल्कि अपने तटस्थ परंतु गहन संवेदनशील लेखकीय व्यक्तित्व का प्रमाण भी दिया है। स्त्रियों के संबंध में विपिन में परंपरागत भारतीय पुरुषों का अहंकार बिल्कुल नहीं है। वह इस बात में विश्वास नहीं रखता कि घर और बच्चों को संभालना केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है, इसलिए वह स्वयं घर पर रहकर बच्चा पालने के लिए तैयार है। वह स्त्री के हर प्रकार के शोषण, चाहे वह दैहिक हो या मानसिक, का प्रबल विरोधी है। इस सुनीता जैन उनके विपिन के बारे में कहती हैं, विपिन एकमात्र पुरुष है जो हरामी नहीं, यानी वह स्त्री का शोषण नहीं करना चाहता, न पति परमेश्वर बनकर पूजा जाना चाहता। वह ड्रैकुला की का ठीक विपरीत है। स्त्रियों के प्रति वह उदार और स्वस्थ दृष्टिकोण रखता है जिसमें किसी भी प्रकार के का दमन या दया का भाव नहीं है। उसकी सोच है कि सच कहना है जो सूक्ष्म भावानुभूति और उत्कट सौंदर्य बोध मुझे स्त्रियों में मिला, पुरुषों में कभी नहीं मिला। स्त्रियों के प्रति उसकी आदर सूचक दृष्टि का परिचायक है। असीमा की तमाम पुरुष विरोधी बातों को वह गहराई से समझता और सहमत होता है। वह स्त्रियों के माँ बनने और स्तनपान करवाने की प्रक्रिया को महिमा मंडित करता है। वह कहता है, स्त्रियाँ चाहे जितने भी शोषित दलित क्यों न हों, तमाम उत्कृष्ट अनुभव साधनों पर उनका एकाधिकार पुरुष को एकदम खाली खोखला बनाकर छोड़ देता है। विपिन में खुद की संतान पाने की उत्कट चाह है। वस्तुतः इस चाह के माध्यम से लेखिका ने यह बताने की कोशिश करनी चाहिए है कि माँ बनने की इच्छा केवल स्त्री को नहीं, पुरुष को भी पिता बनने की इच्छा होती है।
मुझे किसी स्त्री के माध्यम से खुद अपनी संतान चाहिए। विपिन स्वयं कहता है कि मुझे किसी स्त्री के माध्यम से खुद अपनी संतान चाहिए, ऐसा बच्चा जिसके बारे में मुझे जानकारी हो कि मेरी ही संतान है। नीरजा के माध्यम से विपिन संतान पाने की कोशिश करता है लेकिन असफल होता है। अंततः अपने मातृत्व भाव को मन में समाये हुए विपिन विस्मिता और असीमा के समान गोधड़ गांव में जाकर अपनी सृजनात्मकता और सार्थकता को तलाश करने का निर्णय लेता है। विपिन पारंपरिक विवाह संस्था का विरोध करता है। उसके इस प्रकार के दृष्टिकोण के पीछे कारण यह है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने अपनी माँ को हमेशा पीड़ा में डूबे देखा, अतः वह विवाह संस्था के औचित्य पर चिंतन करते हुए इससे कतराने लगा। अपने विवाह न करने के निर्णय को वह तर्कसंगत ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत करता है। ब्याह या प्रेम का अर्थ था एक अन्य प्राणी का मुझ पर और मेरा उस पर इस तरह निर्भर होना कि एक के ना रहने पर दूसरे को मर्मांतक पीड़ा से गुजरना पड़ता। वह नहीं चाहता था कि उसके न रहने के बाद उससे वैवाहिक संबंध में बंधी किसी स्त्री को उसकी माँ की तरह जिंदा लाश बनकर रहना पड़े। साथ ही यदि स्त्री न रहे तो वह खुद भी इसी दशा में आ सकता है। इसी आशंका और भय के चलते विपिन विवाह न करने का निर्णय लेता है। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण विपिन प्रेम मोह विवाह संबंध की बाध्यता में रहित स्त्रियों का साहचर्य पाने की इच्छा रखता है। वह ऐसी स्त्रियों से संपर्क रखना चाहता है जो बौद्धिक महत्वाकांक्षी और स्वार्थी हों, क्योंकि ऐसी स्त्रियां ही एकनिष्ठ नहीं रह पाती। उसे केवल ऐसी स्त्रियां पसंद हैं जो टिपिकल फेमिनिस्ट हैं। विपिन चिंतनशील पुरुष है। एक सांसारिक मनुष्य की स्थिति और जीवन के मर्म पर वह लगातार चिंतन मनन करता रहता है। जीवन में दुख को वह वास्तविक सत्य मानता है। उसका कहना है दुख ही परम गुरु है, दुख ही शिव और दुख ही शक्ति। दुख का कारण वह पारस्परिक निर्भरता को मानता है जिसकी जड़ प्रेम या मोह है। इसी सोच के चलते विपिन किसी भी प्रकार के मोह या प्रेम की स्थिति से बचकर रहना चाहता है, लेकिन लाख बचने के बावजूद विपिन नीरजा से प्रेम कर ही बैठता है। खुद की संतान प्राप्ति के लिए जब विपिन नीरजा के साथ रहने लगता है तब प्रेमी विपिन के दर्शन होते हैं और एक स्थिति आती है कि विपिन के लिए संतान प्राप्ति का लक्ष्य पीछे रह जाता है और नीरजा का साहचर्य प्रधान हो जाता है। लेकिन उसे निराशा इस बात से होती है कि माँ बनने की चुनौती को पूरा न कर पाने के कारण नीरजा मशीन बन जाती है। नीरजा के इस रूप से विपिन आहत होता है और कहता है पर नीरजा मेरे लिए माध्यम या औरत नहीं, एक मोहक व्यक्तित्व थी। अपनी अस्मिता पैशन आकर्षण लावण्य सब खोकर उसका एक साफ सुथरी चिकनी निपुण मशीन बनते जाना नाकाबिले बर्दाश्त था। नीरजा जब उसे छोड़कर जाने का निर्णय लेती है तब वह अपने मन की भीतरी गहराइयों से दुखी होता है, लेकिन एक आदर्श प्रेमी के समान अपनी मानसिकता को संतुलित रखते हुए वह नीरजा को सुखद जीवन की शुभकामनाएं देता है। या यह भी ध्यातव्य है कि विपिन के माध्यम से लेखिका मृदुला गर्ग ने नीरजा के मन और उसके व्यक्तित्व की कई परतों को खोला है। विपिन में उत्कट सौंदर्य बोध है। यह बोध भी उसे अपनी माँ से मिला है। बचपन में घर के आंगन और पिछवाड़े में माँ द्वारा उगाए गए पेड़ पौधों के साहचर्य से उसे सौंदर्य के सूक्ष्म निरीक्षण की दृष्टि मिली, जिसे उसने अपने स्वानुभव से और ज़्यादा समृद्ध कर लिया है। वह कभी भी किसी भी समय प्रकृति से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि विपिन मजुमदार परिपक्व अनुभवी भावुक उत्कट सौंदर्य बोध लिए हुए एक चिंतनशील पुरुष के रूप में चित्रित हुआ है। विपिन में स्त्रियों के प्रति उदारता का भाव है जो उसे आम पुरुषों के बिल्कुल विपरीत खड़ा कर देता है। ऐसे पुरुष सामान्यतः जीवन में प्राय नहीं देखने को मिलते हैं। दूसरा इस उपन्यास में दूसरा पात्र है स्मिता का जीजा यानी कि नमिता का पति। स्मिता के जीजा के माध्यम से लेखिका मृदुला गर्ग ने भारतीय पुरुष प्रधान समाज की भौतिकतावादी प्रवृत्ति की एक बड़ी सच्चाई प्रस्तुत की है। स्मिता का जीजा स्त्री को केवल भोग्या ही समझता है। वह अपने पर आश्रित बिना माँ बाप की साली की देह को भोगने को अपना
अधिकार समझता है और उसे जबरन बलात्कार करता है, जैसा कि आम पुरुष समझते हैं वही उसकी सोच भी है। पत्नी को भी लात घूसों से पीट देता है, जब तब गालियां देता रहता है। जीजा जब तब नमिता और समिता दोनों बहनों को पुलिस से शेयर करने की घिनौनी बातें करता है। अपनी पत्नी को एक एक पैसे के लिए अपनी मोहताज रखता है और लगातार यह कटाक्ष करता रहता है कि तुम्हारा बाप कारों का खजाना नहीं छोड़ कर गया। इस पात्र के माध्यम से यह बात भी उभर कर आई है कि पुरुष हमेशा से स्त्री को भुलावे में रखता आया है, चाहे स्त्री माँ के रूप में हो, पत्नी या बेटी या किसी अन्य रूप में ही हो। अधरंग के घोर आक्रमण के बाद नमिता ने अपने पति की देखभाल की सारी जिम्मेदारी नर्मदा के भरोसे छोड़कर एक दूरी तो बना ही ली थी। जब तक वह उसे जली कटी भी सुनाती ही रहती थी। प्रदीप भी अपने पिता से दूर भागता था, केवल नीरजा ही नर्मदा के कहने पर अपने पिता के पास जाती थी। लेकिन इसके बावजूद वह अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे प्रदीप के नाम ही कर जाता है। नीरजा कहती है, वे सिर्फ मेरे सर पर हाथ फेरते थे, प्रदीप के नहीं। कितना आसान है औरत को बहकाना। नालायक से नालायक बेटे को जायदाद के देने के लालच में तरह तरह के प्रपंच करके बेटी को बेदखल कर दिया जाता है। नर्मदा के कथावाचन में स्मिता और उसके स्मिता के जीजा के दयनीय और निरी रूप की झलक मिलती है, जो बीमारी के कारण पर निर्भर हो गया है, किंतु फिर भी पाठक के मन में नीरजा के प्रति जैसे को तैसा वाला भाव ही अधिक उभरता है। अन्य पात्र है गणपत, नर्मदा का जीजा। स्मिता के जीजा के समान गणपत भी घोर भौतिकतावादी प्रवृत्ति का प्रतिनिधि है। गणपत को अपने विवाह में दहेज के रूप में एक घर तथा एक अबोध साले और साली के पालन पोषण की जिम्मेवारी भी मिली है, लेकिन वह दोनों अबोध बालकों अपने साले और साली को चूड़ी बनाने के कारखाने में काम पर लगा देता है और उन्हीं की कमाई से अपना परिवार चलाता है। जरा जरा सी बात पर या कोई गलती होने पर वह अपनी पत्नी गंगा सहित साली नर्मदा और उसके पगले भाई को जब तब निर्ममतापूर्वक पीटता रहता है, जैसे घोड़ी के पाँव में नाल जड़ रहा हो। उसके इस खौफ का नर्मदा के नन्हे मन पर नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे उसमें एक अनजाना भय हर समय समाया रहता है। दुनिया के सामने गणपत अपने आप को नर्मदा के बाप के रूप में एक जिम्मेदार इंसान के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन एक दिन उसी नर्मदा से जबरन शादी रचा लेता है। गणपत अपनी जायदाद को अपने बेटों के नाम पर करके एक अच्छा बाप कहलाता है। उसके हर षड्यंत्र में पूरा साथ देने वाली पत्नी गंगा के नाम पर वह कुछ भी नहीं छोड़ता। एक पात्र के रूप में गणपत का इस्तेमाल भी लेखिका ने नर्मदा के चरित्र की रेखाओं, उसके बचपन, उसके संघर्ष और अंततः व्यक्तित्व में आई आत्मनिर्भरता को उभारने के लिए ही किया है। असीमा के घर आए गणपत को जब नर्मदा खरी खरी सुनाती है, वह कहती है, फिर कभी इस घर में आने की हिम्मत की तो टांगे तोड़ के सड़क पर फेंक दूंगी। भड़वे, अपनी बीवी के पल्लू में जाके सो, मैं तेरी रखेल ना थी, तू मेरी रखेल था। तब पाठक के मन में गणपत के प्रति भी जैसे कुछ तैसा वाला भाव उभरता है। एक और अन्य पात्र है असीमा का भाई। असीम को अति भौतिकतावादी पुरुष की श्रेणी में रखा जा सकता है। उसकी माँ ने उसे बचपन से ही स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर बनने के संस्कार दिए, किंतु 12वीं पास करते ही जब अपनी माँ द्वारा उसे पता चलता है कि दूसरी औरत के साथ रहने वाला उसका पिता संपन्न समृद्ध है, तो वह पहले तो अब तक पालने पोसने वाली माँ को विपन्नता के लिए खूब कोसता है, किंतु तुरंत माँ बहन को छोड़कर पिता के पास चला जाता है। फिर 5 साल बाद अपने विवाह में पत्नी के लिए माँ से जेवर लोने लौटता है और फिर गायब हो जाता है। वह एक सिंधी युवती से विवाह करता है जो 2 वर्ष बाद ही उसे छोड़कर चली जाती है। उसके अपने से बड़ी उम्र की नमिता से अवैध शारीरिक संबंध है, लेकिन यहाँ भी भावुकता नदारद है। अवसर देखते ही वह नमिता में कमियाँ निकालते हुए उसे छोड़कर निकल लेता है। महिलाओं के प्रति असीम की मानसिकता बेहद संकीर्ण है। जब उसे पता लगता है कि पड़ोस में काम करने वाले एक युवक से नर्मदा के मधुर संबंध है, तो वह
उसे पैसे देकर नर्मदा से हमेशा के लिए न मिलने की कहकर उसका शहर छुड़वा देता है। इसके अतिरिक्त उसकी सौतेली माँ उसे अपने पास स्नेह से रखती है, किंतु पिता की मृत्यु के तुरंत बाद वह उसे घर से बाहर निकाल देता है। माँ के अंतिम क्षणों में वह उसके बुटीक को नर्मदा को दिए जाने का विरोध करता है। वह खुद को माँ का बेटा होने के कारण बुटीक का वारिस बताता है। हालांकि माँ के निर्णय के समक्ष उसकी एक नहीं चलती। अपने बेटे के इस नैतिक पतन को देखकर उसकी बीमार माँ को आघात लगता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। इस प्रकार असीम एक ऐसे स्वार्थी और लालची पुरुष के रूप में उभरता है जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। एक अन्य विदेशी पात्र है जिम जार्विस। कठगुलाब उपन्यास में जिम जार्विस पेशे से अमेरिकी मनोचिकित्सक है, लेकिन जिस तरह से उसका चरित्र इस उपन्यास में उभारा गया है वह खुद ही मनोग्रंथि से पीड़ित लगता है। वह मनोग्रंथि है अपने अहम के वशीभूत होकर अपनी मान्यताओं को मजबूरन रोगी पर लागू करना। इसी अहम की पूर्ति के लिए वह स्मिता से विवाह करता है, और जब उसके अहम की पूर्ति नहीं होती तो वह छोटी छोटी बातों पर भी स्मिता के ऊपर हाथ चला देता है। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व में मनोचिकित्सा शास्त्र के ज्ञान के साथ पुरुष अहमन्यता का भाव जटिल रूप में गुथा हुआ है, जिसने उसे मनोरोगी की सीमा तक पहुंचा दिया है। उपन्यास में कई स्थलों पर और स्मिता के भी अनुसार जिम जार्विस का व्यवहार बच्चे जैसा लगता है। कहती है, असल में चंद्रकांत बांदीवडकर ने कहा है उनके उसके बारे में कि असल में जिम जार्विस जैसे उच्च शिक्षित मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व का उथलापन और पुरुष केंद्रित अहंकार कुल अमेरिकन संस्कृति विकृति और व्यक्तित्व संबंधी अवधारणाओं पर पुनर्विचार के लिए बाध्य करता है। जिम जार्विस एक कुटिल व्यक्ति है। स्मिता के मन की गांठों को खोलने के लिए वह हर तरह के हथकंडे अपनाता है, किंतु स्मिता की चुप्पी उसे हर मोड़ पर परास्त करती चलती है। उसकी चिंता का मुख्य कारण यह है कि स्मिता में किसी भी छोटी या बड़ी बात के प्रति अपराध बोध क्यों नहीं जागता। अंततः वह स्मिता पर किए जा रहे अपने प्रयोगों की असफलता से बौखला उठता है। स्मिता को बेतहाशा पीटता है, लेकिन जब स्मिता भी उसकी धुनाई कर देती है तो वह तलाक तक पहुंचता है। अदालत में अपनी कुटिल बुद्धि के तर्कों से स्मिता को साइकोपैथ घोषित कर देता है और उसके गुजारे भत्ते से भी बच निकलता है। वह स्त्री को भोग्य ही समझता है। वह जब चाहे किसी भी स्थिति में स्मिता की देह का भोग करने लगता है। शुगर मेपल के नीचे वह जबरदस्ती संभोग करता है। मधु संधु उसके विषय में कहती है, वह उस संस्कृति का प्रतिनिधि है जहाँ सेक्स और खाने पीने के बाद खरीदारी का व्यसन पाला जाता है। जिम को कुछ भी बर्दाश्त करने की आदत नहीं, वह स्वयं को समाज का शोधक परिचारक मानता है। एक अन्य विदेशी पात्र है इरविंग विटमैन। इरविंग विटमैन दोहरे चरित्र वाला पुरुष है। अपने को अभौतिकतावादी दिखलाने का ढोंग रचता है। पैसों के प्रति दिखाए गए उसके मोह के कारण ही मारियान उससे विवाह करती है। वह अपने को महान उपन्यासकार कहता है। महान उपन्यास लिखने की आड़ में वह कुछ कमाता भी नहीं है, और तीन कमरों वाले वेल फर्निश्ड फ्लैट में मारियान की कमाई पर बड़े आराम से रहता है। उपन्यास लिखने के लिए मारियान से आंकड़े इकट्ठे करवाकर उसकी डायरियों से नोट्स की नकल मारकर उपन्यास अपने नाम से छपवा लेता है और मारियान को छोड़कर भाग जाता है। उस उपन्यास से वह बहुत पैसा कमाता है। इरविंग अत्यधिक कुटिल बुद्धि से युक्त है। मारियान बहुत दिनों तक रूथ नामक चरित्र को अपने तक ही सीमित रखती है, लेकिन इरविंग की प्रपंच बुद्धि उससे ये भेद उगलवा ही लेती है। यह उपन्यास हमारा मानस पुत्र है, रचना शिशु। आज के नारी मुक्ति युग में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। गर्भ में मैं धारण कर रहा हूँ, बीज तुम डाल रही हो, हम दोनों इसके सर्जक हैं, तुम्हें कोई बात गुप्त नहीं रखनी चाहिए। यह बात कहकर वह मारियान से सब कुछ उगलवा लेता है। इरविंग की दृष्टि इतनी कुटिल और सूक्ष्म है कि वह मारियान के बेहद निजी मर्म का इस्तेमाल करते हुए उसे मात दे जाता है। उपन्यास छपते ही मारियान द्वारा उसका नाम न होने की आपत्ति दर्ज करते ही वह फौरन कहता है कि संतान के साथ तो पिता का ही नाम चलता है। इस प्रकार अपने को रचनाकार और संवेदनशील कहने वाला इरविंग पहले मारियान का गर्भपात करवाता है, फिर उपन्यास पर मारियान का नाम होने के रंगीन सपने दिखाकर सारी जानकारी उगलवा लेता है, और अंततः
मारियान को अदालत और समाज के समक्ष झूठा सिद्ध कर देता है। इस पात्र का इस्तेमाल लेखिका ने मारियान के संघर्ष और उसकी सृजनात्मक प्रतिभा को उभारने वाले कारण के रूप में किया है। एक अन्य पात्र है मारियान का दूसरा पति कूपर। सदैव किशोर मानसिकता में रहने वाला कूपर बच्चों की चिल पों से तंग आकर अपनी पहली पत्नी को तलाक दे देता है। मारियान के शब्दों में वह वर्जीनिया का मेले संस्करण था, चिरयुवा या टीनेज पर अटका ऐसा छोकरा जिसका शरीर और दिमाग चाहे जितने परिपक्व हो जाएं, उसकी भावात्मक आयु वही बनी रहती है। इस पात्र की परिकल्पना केवल मारियान की माँ बनने की लालसा को अभिव्यक्त करने के लिए की गई है, अन्यथा उपन्यास के संपूर्ण प्रवाह में इसका कोई औचित्य नहीं ठहरता। एक अन्य विदेशी पात्र है जॉर्ज रिचर्डसन। जॉर्ज रिचर्डसन एक ऐसा विदेशी पात्र है या एकमात्र विदेशी पात्र है जो खलपात्र नहीं है। वह अपनी दूसरी पत्नी वर्जीनिया पर जान छिड़कता है। मारियान उसकी सौतेली बेटी है, फिर भी उसे बाप का प्यार देता है और उसके नाम पर एक फ्लैट और बैंक में बैलेंस भी छोड़ देता है। महिलाओं के प्रति रिचर्डसन की दृष्टि उदार है, इसी कारण मारियान सभी पुरुषों को एक ही सांचे में नहीं देख पाती। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विपिन और जॉर्ज रिचर्डसन को छोड़कर कठगुलाब के सारे पुरुष पात्र खल पात्रों की कोटि में ही आते हैं। ये सारे खल पुरुष पात्र आत्मकेंद्रित, किसी न किसी मनोविकार से पीड़ित और स्त्री का उत्पीड़न करने वाले हैं। वस्तुतः कठगुलाब उपन्यास का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को स्त्रियों की पीड़ा और उनके संघर्ष से गुजरते हुए अंततः उनकी सृजनात्मकता को व्यापक आयाम देना रहा है। ऐसी स्थिति में पुरुष पात्रों के चारित्र के विकास की गुंजाइश बचती ही नहीं है। केवल विपिन को छोड़कर सभी पुरुष पात्र स्त्री पात्रों के चरित्र को उभारने के लिए सहायक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। सभी पुरुष पात्रों का चित्रण इसी रूप में हुआ है। लेखिका की कोशिश है कि स्त्री पात्रों के चरित्र पुरुष पात्रों के समकक्ष इस रूप में दिखें कि स्त्री पात्रों के चरित्र के विशेषताएं उभर कर सामने आ सके। पुरुष पात्रों के चरित्र का विकास अलग से बहुत कम ही हुआ है। स्त्रियों के जीवन की पीड़ा कटुता और यातनाएं पुरुष पात्रों से ही जुड़ी हुई है। विपिन का चित्रण अन्य पुरुष पात्रों से अलग हटकर हुआ। सभी स्त्री पात्रों के मध्य एक ऐसे पुरुष पात्र के रूप में चित्रित किया गया है जो स्त्रियों का हितैषी और शुभचिंतक है। अन्य पुरुष पात्रों के मुकाबले लेखिका ने उसे एक आदर्श पुरुष पात्र के रूप में स्थापित किया है। महिलाओं के प्रति परस्पर सहयोग की भावना उसके भीतर निहित है। वह किसी स्त्री का मालिक बनने की या उसके प्रति दुर्भावना की दृष्टि से कोई कार्य नहीं करता। अन्य पुरुष पात्र किसी न किसी रूप में चित्रित स्त्री के शोषक की भूमिका में चित्रित हुए हैं।